सहारनपुर के रेलवे रोड स्थित व्यापारी भवन में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई व पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंजाब एंड सिंध बैंक की जनरल मैनेजर महिमा अग्रवाल, व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विवेक मनोचा व महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि महिमा अग्रवाल ने बैंक के विभिन्न उत्पादनों के बारे में व्यापारियों को विस्तार से जानकारी दी। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एक ग्राहक गोष्ठी के रूप में एक लोन मेले का आयोजन किया गया था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कार्यकाल काल बीता है उसमें कहीं ना कहीं व्यापार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और व्यापार अर्थ के बिना नहीं चल सकता, यानी कि धन के बिना नहीं चल सकता। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे कम इंटरेस्ट पर हम व्यापारियों को लोन उपलब्ध करवा पाए, कुछ के मकान बनते हुए रुक गए पैसे के अभाव में, उन्हें कैसे हाउसिंग लोन कम इंटरेस्ट पर मिल सके, कोई वाहन लेना चाहता है उसे कम इंटरेस्ट पर किस तरह से लोन मिल सके, कोई गोल्ड लोन चाहता है उसको गोल्ड लोन कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट पर दे सकता है, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता पूर्वक चर्चा करने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर ग्राहक गोष्ठी के रूप में आयोजित किया। बैंक की सर्विसेज व्यापारियों को कैसे मिल सके, इन सब बिंदुओं को लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया और कई व्यापारियों को मौके पर लोन उपलब्ध करवाया गया। जो सर्विसेज में कमी थी उसको लेकर के बैंक को एक फीडबैक व्यापार मंडल द्वारा दी गई और बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि ग्राहक को संतुष्ट करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और सहारनपुर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष बनने पर सत्यार्थ प्रकाश धीमान का अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार सहारनपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उनकी एक स्वागत रैली का भी आयोजन किया गया। रैली नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। ये स्वागत नहीं है, ये छोटे भाई को प्यार दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं एक पिछड़े वर्ग से आता हूँ, एक पिछड़े वर्ग के आने वाले आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से और अपने दिल से इस जो कार्यक्रम मेरे युवाओं ने बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपनी इतिहास में जीवन में सुनहरे अक्षरों में अपने मन में लिखूंगा और मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा और उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। जिंदाबाद 2022 में मैं आज को कह रहा हूं, ये आगाज हो गया है। हमारे आदरणीय महानगर अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सांसद जी हमारे बीच में है, आप यहीं से समझ लो कि 2022 हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और ये जनसलाब आपको दिखा रहा है और इस बार का युवा मोर्चा के बैनर पे ये चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों की दोनों विधानसभा जो सहारनपुर महानगर में आती है वो अब जीतने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को सहारनपुर के हिगत नगर स्थित रामलीला मैदान में भी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, वरिष्ठ नेता चौधरी निरपाल सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया, जहां पर वक्ताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बांटकर राजनीति करने का काम कर रही है। हमारे यह सम्मेलन हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हर विधानसभा में 402 की 402 विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। आज नगर विधानसभा का भाईचारा सम्मेलन है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सम्मेलन करने की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का माहौल पैदा कर दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सत्ता दिलाती है। राष्ट्रीय लोकदल का पहला कर्तव्य ये है कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता को, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को दोबारा जिंदा करने के लिए भाई भाई आपस का भाईचारा, आपस का हमारा प्रेम, आपस की हमारी रिश्तेदारी है, वो सुदृढ़ हो, वो संपन्न हो, वो विश्वास दोबारा से लौटे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विश्वास अविश्वास की खाई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है, उसको मिटाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा सम्मेलन करके विश्वास की सीढ़ी बनाना चाहता है। सहारनपुर में छात्राओं का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को जिला मुख्यालय पहुँचा, जहाँ पर उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि
उनको प्रमोट होने के बाद भी साल खराब होने का डर सता रहा है। 12वीं के घोषित किए गए रिजल्ट में लिखा गया है ट्रिपल एक्स में प्रमोट। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से रिजल्ट को सही कराने की गुहार लगाई। सर, हमने हमारे स्कूल में रिजल्ट के लिए शिकायत की थी। हमारे रिजल्ट में ना प्रमोटेड आया लिखा हुआ और मार्क्स भी शो नहीं हो रहे। अब स्कूल वालों ने तो ये कहा था हम नंबर भेजेंगे और 31 तक आ जाएगा रिजल्ट। हमने 29 को वेट करा, 30 को वेट करा, 31 को वेट किया। आज 3 तारीख हो गई और अब अंकल से बात की, क्लर्क अंकल से, तो वो कहते हैं कि री एग्ज़ाम की तैयारी को री एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सभी छात्रों का इसी तरीके से आए हम तो है ही, और स्कूल में टोटल 20 लड़की ऐसी थी। अब और तो कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना सर। तो कौन से स्कूल? हम गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज अम्बाला रोड। क्या चाहते? अब हमें सर ये चाहिए कि हमारे रिजल्ट सही होकर आए। हम 15 दिन में री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे? और सभी लड़कियाँ यही नहीं, मैं हूँ, और चलो हम भी कोई बात नहीं, 1.44 लाख, मतलब 2.25 लाख लड़कियाँ ऐसी है और बच्चे ही सारे पूरे अलग पूरे यूपी के जिनका रिजल्ट सही नहीं आया, तो उनके लिए भी तो ये बात सही है ना।